आप कह रहे किसान की आय दुगनी करूंगा और अपने दोस्तों की आय 300 गुना करूंगा। सबूत है आपके सामने, हमारी आय दुगनी करने का झांसा दिया और अपने दोस्तों की चुपचाप आय 300 गुना करने का प्रोग्राम बना दिया आपने, सब झूठ है। जब हम वापस जा रहे थे, घर जा रहे थे, तो हमें एक भैया मिले जिनके हाथ में गोभी है और वो भी पैक्ड गोभी है। उनसे जानना चाहेंगे, भैया पहले नाम बताइए। मेरा नाम साहिब सिंह है, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से आया हूँ। अच्छा, ये गोभी क्यों मतलब पैक्ड है, इसको कुछ बताइए हमें। अब ये नए कानून ये कहते हैं कि किसान की उपज जो है उस उपज का जो मूल्य है वो बाजार निर्धारित करेगा। अब भारत सरकार की FSSAI संस्था जो है वो इसको एक लाइसेंस देती है, जिस लाइसेंस नंबर ये देखिए, पहले ये बार कोड नंबर है, ये पैकिंग करने वाली कंपनी का नाम है, ये प्रोडक्ट का नाम है कॉलीफ्लावर, नेट वेट है 500 ग्राम, MRP है 300 रुपये, कीमत 300 रुपये और डेट थी 29/12/2020। अब आपका ये जो लाइसेंस होल्डर बाजार किसान के पास पहुंचा, किसान को इसने बताया कि जो तूने गोभी पैदा की है ना भाई, इसकी कोई मांग नहीं है बाजार के अंदर, इसको तो कोई ग्राहक ही नहीं है, मैं ये तुमसे ले नहीं पाऊंगा। किसान ने हाथ जोड़े, क्योंकि वो फसल थी कहाँ फेंकता, तो ये 2 रुपए से 4 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से किसान से लेके आए और इसको लाकर अपने वेयर हाउस में रखा। वेयर हाउस में रखने के बाद जो शहर के मेरे उपभोक्ता भाई हैं, मेरे भारतवासी हैं, उनको ये बताया कि इस बार गोभी पैदा ही नहीं हुई है, गोभी नहीं मिलेगी तुम्हें खाने को, और उधर पर्दे के पीछे इसको रैपर किया, लाइसेंस नंबर लिखा, MRP इसकी तय कर दी प्रति किलोग्राम 600 रुपए। अब ये है आपकी ओपन मार्केट, जो किसान की उपज बाजार, उपज का मूल्य बाजार तय कर रहा था वो, अब इसने किसान से जो 2 रुपए या 4 रुपए किलो की चीज बाजार में लाके 600 रुपए किलो की है, जो ये इतना बड़ा वेरिएशन है, इसका लाइसेंस भारत सरकार ने इसको दिया है, तो ये काले कानून अपने आप में सिद्ध होते हैं कि ये जो 590 रुपए के लगभग का जो वेरिएशन आ रहा है, ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है। इतनी बड़ी लूट करने का अधिकार इस कंपनी को किसने दिया? राजनाथ जी, माननीय मंत्री जी, आप 1.5 साल का इंतजार करने को कह रहे थे, 1.5 दिन के अंदर सबूत के साथ आपके सामने पेश है हम लोग। ये जो इतना बड़ा वेरिएशन है, किसान के खेत से 200 रुपए से 400 रुपए कुंटल की जो गोभी थी वो उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते 60,000 रुपए कुंटल की कैसे हो गई? काला बाजारी बढ़ी या घटी? आप ये भोली भाली जनता को अब समझाइए, जिसे आप समझा रहे हैं कि किसान कानून को समझ नहीं पा रहे हैं, और असल में सरकार को ये तकलीफ है कि ये तो हमने चोरी से कानून बनाया था, इसको किसान समझ कैसे गए। तकलीफ इस बात की है, ये जो काला बाजारी का सबूत है बैच नंबर के साथ, हम एमएसपी का रोना रो रहे हैं, हम सड़कों पर पड़े हैं, हमारी तादाद लाखों में है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और बॉम्बे में एक हीरोइन का छोटा सा छज्जा क्या टूट जाता है गैर कानूनी, आपकी पूरी सरकार रुदाली विलाप करना शुरू कर देती है, और आपको सड़कों पे पड़े किसान नहीं नजर आ रहे, मौतें नजर नहीं आ रही, आपकी संवेदनाएं कहां चली गई हैं? आप सत्ता के नशे में इतने चूर कैसे हो गए? सबूत को कैसे जुटलाएंगे? सबूत ये देखिए, टिन नंबर, वो इसका FSSAI नंबर जिसको खोलते पूरा एड्रेस सामने आएगा कि ये किस कंपनी ने ये प्रोडक्ट, ये और ये प्रोडक्ट नंबर जिससे कि उनका प्रोडक्ट का किसका भाव कितना तय किया था, ये सदा ही रहेगा, ये आपके सामने सबूत है, ये इस चीज की पुष्टि करता है, पुष्टि कि ये आपके कानून जो आपने बनाए हैं कानून है। एमएसपी ना होने की वजह से किसान को कुछ नहीं मिला, व्यापारी पे नियंत्रण होने की वजह से कालाबाजारी हुई, जो आपने भंडारण की क्षमता खोली उसकी वजह से कालाबाजारी हुई,
और देश में आर्थिक विषमता पैदा हुई, इससे ज्यादा और सबूत किसान क्या लेके आए आपके पास। हम आपसे निवेदन करते हैं, आप किसानों की संवेदनाओं को समझते हुए, इन कालाबाजारी को समझते हुए, इन तीनों काले कानूनों को तुरंत रद्द कीजिए। भैया एक बात बताइए, आप ये गोभी दिखा रहे हैं, गोभी के ऊपर जो MRP रेट है वो भी दिखा रहे हैं, लेकिन आखिर ऐसी क्या बात है कि सरकार बार बार कह रही है कि भैया किसानों का ये बिल बहुत बढ़िया है, किसान ही नहीं समझ पा रहे। मतलब जो हल चला रहा है, हल चलाने वाले को नहीं पता है हल की कीमत, और जो एयर कंडीशन में बैठ के कलम चला रहा है उसको पता है कि ये कानून हमारे हित में, हम तो सबूत के साथ दिखा रहे हैं ना कि हमारे हित में नहीं है। आप बंद कमरे से दिल्ली से 3500 किलोमीटर दूर जाके जो बोलते हैं कि ये कानून किसानों के हित में, आप 15 किलोमीटर संसद से अपने 7 RCR से बाहर आइए, किसी भी किसान आंदोलन में आके आप माइक से बोल के समझा तो जाइए कि आपके हित में। वो तो कहते भैया सूट बूट वाले किसान ही नहीं होते। मैम आप संविधान की वो धारा, भारत के जो संविधान है उसमें कोई ऐसी लाइन जो हमें दिखा दीजिए जिसमें ये लिखा हो कि सूट बूट सिर्फ अमित शाह जी के बेटे जयंत शाह पहनेंगे, किसान का पुत्र नहीं पहनेगा। अभी हम भी अभी सूट बूट उतार कर पत्तों के कपड़े पहन लेते हैं। वो तो कपड़ों से पहचानते हैं ना भैया। क्या वो तो कपड़ों से पहचानते हैं। हम पत्तों के, मेरी बहन, हम पत्तों के कपड़े पहनने के लिए तैयार है। आप संविधान की वो लाइन तो पढ़ा दीजिए जिसमें ये लिखा है कि सिर्फ उद्योगपतियों के बच्चे ही कपड़े पहनेंगे, किसान के बच्चे कपड़े नहीं पहनेंगे। तमाम आदमी किसान है, एक भी आदमी जिसकी आय दुगनी हुई हो, हमारा कर्ज, आपकी कैबिनेट के लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ टेबल ठोक के बोलते हैं कि हमने जो किसानों का ऋण का बजट था उसको दुगना किया, तो ये किस बात का सबूत है भाई? आपने ऋण का बजट दुगना किया मतलब हमारा कर्ज दुगना हुआ, आय दुगनी नहीं हुई, हमारा कर्ज दुगना हुआ है। हमारी आय तो उतनी ही रहने देते, और मान लो 1%, आप कह रहे किसान की आय दुगनी करूंगा और अपने दोस्तों की आय 300 गुना करूंगा, सबूत है आपके सामने। हमारी आय दुगनी करने का झांसा दिया और अपने दोस्तों की चुपचाप आय 300 गुना करने का प्रोग्राम बना दिया आपने, सब झूठ है। आपने तो कहा नोटबंदी में 50 दिन का समय दीजिए, आज कितने 5 साल होने को आ गए हैं। आपने तो हर बार समय मांगा, हर बार आप झूठे साबित हुए। आपने तो ये भी कहा था कि दोस्तों जिस दिन हम सरकार में आए पहला ही दिन होगा, पहला ही काम होगा, किसानों की कर्ज माफी होगी, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होगी। हुए? अरे हुए भाई, किसानों का कर्ज माफ की जगह दुगना, 3 गुना, 4 गुना कर दिया आपने। और एक चीज और बहन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मन की बात में फर्जी 4-5 किसान बैठाए, उनसे प्रधानमंत्री जी बड़े हंस हंस के बात कर रहे थे, वो जो 2000 रुपए मैंने आपको दिए आपने क्या किया, और वो भी तोताराम आगे से क्या कह रहे हैं, हमने बीज लिया, खाद ली, दवाई ली, बच्चों के कपड़े लिए, 1 एकड़ गेहूं बोने के लिए 40 किलो बीज की जरूरत होती है, और सरकारी कंपनी TDC जिसके बीज का मूल्य है 844 रुपए, 844 रुपए का बीज हो गया, DAP का 1 कट्टा खाद का पड़ता है 1200 रुपए, तो DAP हो गए, आपकी सम्मान निधि तो 1 एकड़ में वहीं चली गई, जुताई कहां से आई, निराई कहां से आई, बुआई कहां से आई। अरे तोताराम जी, आप तो बिक चुके हो, पूरे देश के किसान कौम को क्यों बेचने चले गए? ऐसा कौन सा आपको मोह था या डर था, या किसी तहसीलदार DM की बंदूक आपकी ओर सीधी हो चुकी थी कि आप तोताराम बन के वो 2000 रुपए के फायदे गिनाने लगे? अरे जिसके सामने बैठे थे उसका एक ही सूट 10 लाख का होता है, उसका एक ही सूट 10 लाख का होता है, और हमें 500 रुपए महीना 16 रुपए रोज का देके किसान को, वो उसको ये कह रहे हैं कि सम्मान निधि से आपके जीवन में क्या असर पड़ा, और तोताराम भी तोते की तरह बोलने लग गया जो रटाया था। बिल्कुल गलत था। हकीकत यह है कि किसान की दुर्दशा है, किसान की माली हालत बहुत ज्यादा खराब है, किसान जहाँ तो आज 3 संकट हैं, जहाँ तो रोटी खा ले, या अपना कर्ज उतार ले, या अपने बच्चे को पढ़ा ले। अगर हम बच्चा अनपढ़ रखते हैं तो हमारी पीढ़ियाँ अंधकार में जाती हैं, अगर हम कर्ज नहीं लौटाते तो अगली फसल नहीं बो पाते हैं, हम करें तो क्या करें, स्थिति ये है, ग्राउंड जीरो ये है। आप जिनको नकली किसान बता रहे हो, आपके पास देश की टॉप से टॉप सुरक्षा एजेंसियाँ, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, जो इंटेलिजेंसी के लोग हैं, आप उनसे जाँच कराइए ना, ये जो कैमरे पर बोल रहे हैं असली हैं नकली हैं,
और अगर हम नकली हैं, हम श्रीलंकन हैं, हम माओवादी हैं, आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, तो हमें जेल में भेज डाल दीजिए। आप सिर्फ जनता को बताए पड़े हैं कि ये लोग वो हैं, ये हैं, आप कार्रवाई कीजिए। आतंकवादियों के लिए भारत में कोई जगह नहीं है, उनकी जगह जेल है, आप उनको जेल भेजिए। हम भी आपसे गुजारिश करते हैं, हम भारत माँ के सपूत हैं, कभी जय प्रधानमंत्री नहीं कहा किसी ने, जय जवान और जय किसान का नारा लगता है। हम भारत माँ के दूसरे लाल हैं, एक लाल जवान है तो दूसरा लाल किसान है, भारत माँ के लाल हैं हम, लाल राष्ट्रवादी हैं हम असली देशभक्त सड़कों पे पड़े हैं। ठीक है, क्या लगता है इसके पीछे सरकार की आखिर क्या मंशा है जो वो इस बिल को वापस नहीं लेना चाहते? सरकार की मंशा ये है कि MLA MP कैसे खरीदें। MLA MP खरीदने के लिए उनको अंबानी अंडानी से दोस्ती चाहिए, इनको सत्ता चाहिए, उनको पैसा चाहिए। देखो, अव्वल नंबर पर लाने के लिए अंबानी कुछ भी करने को तैयार है, इधर सत्ता में रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो अब मैं मोदी से ये कहना चाहता हूँ कि सत्ता में आपको लाई है जनता, अंबानी अंडानी नहीं लाया, आपको एक दो तो MP MLA खरीद देगा, कहीं किसी ऐसा ना हो कि अगले चुनाव में आपको कोई खरीदने का मौका ही ना मिले, कहीं लगा आपका 0 बटा हो जाए, जैसे आपकी 1978 में 2 सीटें थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनका मकसद है, अब देखो अंबानी ने किसानों से पंगा लिया, वो चौथे नंबर पर था, उसका 50,000 करोड़ का शेयर गिरा, वो आज 14वें नंबर पे पहुंच गया। किसानों से जिसने भी पंगा लिया, सरकार ने लिया, चाहे फैक्ट्री वालों ने लिया, चाहे इंडस्ट्री वालों ने लिया, वो लोग 14वें से क्या 140वें नंबर पे भी जाएगा। और मोदी जी, आप अपनी खैर मनाइए, अगर आपने ये कानून वापस नहीं लिया तो ये सच कह रहे हैं किसान, एक एक किसान आपको सत्ता में हटाने के लिए काम करेगा, फिर आप जिंदगी में कभी BJP मैं कह रहा हूँ आ ही नहीं पाएगी सत्ता में कभी।